राजापुर बाजार पर ओवरलोडेड बालू लदी ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल चालक को रौंदा, हालत गंभीर। थाना क्षेत्र के कोइलवर छपरा फोर लाइन रोड में राजापुर बाजार के पास ओवरलोडेड बालू लदी एक ट्रैक्टर ने छपरा की ओर जाने वाले मोटरसाइकिल चालक को रौंद दिया, जिससे मोटरसाइकिल चालक पूरी तरीके से जख्मी हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा कोइलवर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक टेम्पो पर लाकर और इलाज कराया गया। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने कहा कि पैर पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने इसे पटना रेफर कर दिया, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बद से बदतर व्यवस्था देखने को मिला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस होते हुए एम्बुलेंस अपनी मर्जी से लेकर और ड्राइवर निकल जाते, जिससे आए हुए मरीजों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोइलवर में 6 लेन पुल एवं 4 लेन सड़क का निर्माण हो गया, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो पाया। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा मरीज टेम्पो में ही छटपटाते रहा। उसके बाद डॉक्टरों ने एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि सभी जगह स्वास्थ्य केंद्रों पर अच्छी सुविधाएं होती है, लेकिन यहां तो अच्छी सुविधाओं के नाम पर मरीजों को तड़पते हुए छोड़ दिया जाता है। कब तक कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा और व्यवस्थाएं सुधरेंगी? वहीं जख्मी मोटरसाइकिल चालक बेटा के एयरफोर्स में ड्यूटी में कार्यरत था, जो पटना जिला बाजार समिति का निवासी मदन प्रसाद के पुत्र मिथिलेश कुमार 37 वर्षीय बताया जा रहा है। कोइलवर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस होते हुए भी दूसरी जगहों के एम्बुलेंस से मरीजों को भेजने का कार्य किया गया। एम्बुलेंस चालक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि तेल खत्म था, तेल का बहाना कर एम्बुलेंस लेकर फरार था। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी उमेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस चालक पर चालक जिले में कंप्लेन दर्ज कर दी गई है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर पाती है। भोजपुर न्यूज के लिए कोइलवर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।